हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक बैग लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बॉक्स टाइप का पाउच लगाना सिखाया था, तो उसी का बैग मैंने आज इसको तैयार कर दिया है। तो इसको तो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा दिया है कि कैसे लगाना है, तो ये लगा हुआ है। बाकी बैग को मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है, हैंडल आप देख ही रहे हैं और कलर कॉम्बिनेशन भी आप देख रहे हैं। और इसमें हमने यहाँ पर दो पॉकेट और दी हैं डबल जिप की। ये देखिए, 1 और ये 2, दोनों सेपरेट हैं, नीट एंड क्लीन हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। पहले की वीडियो में मैंने आपको ये बॉक्स पॉकेट लगाना सिखाया था, उसी कप जो जिसमें लगाया है उसी का मैं आज आपको एक बैग बताने जा रही हूँ। इसको अब हम बैग बनाएंगे। तो ये हमारा जो पीस है, क्विल्टेड पीस, ये 14 और ये 13 बाई 14 इंच का ये हमारा पीस है। ये 13 है, ये 14 है। तो इसके मैंने इसका मैंने एक दूसरा भी जो बैक साइड में रहेगा एक क्विल्टेड पीस और लिया है इस तरह से। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 4 बाई 14 इंच का 2 पीस प्रिंटेड लिया है, क्योंकि इसी कलर की हमारे पास पॉकेट है। और इसी कपड़े की पाइपिंग लगा करके मैंने यहाँ 26 इंच की 2 पाइपिंग कंप्लीट की हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने इसी में ये पाइपिंग एक साइड में लगा दी है, ताकि पूरा कॉम्बिनेशन के साथ हमारा बैग तैयार हो जाए। और 14 इंच की मैंने 2 पीस जिप ली है, ये 2 पीस जिप ली है। 2 रनर हैं, ऑप्शनल हैं, आप 4 ले सकते हैं। और 4 पीस 13 बाई 14 इंच की 2 4 पीस लाइनिंग है। तो अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 4 बाई 14 इंच का हमारे पास पीस है, ये इसको हम यहाँ नीचे लगा देंगे। ये लंबा पीस है, मैं इसको कट कर देती हूँ। इसको यहाँ हम नीचे बॉटम में लगा देंगे। ये दोनों हमने इस तरह से नीचे बॉटम में लगा दिया। अब इसका सेंटर निकालेंगे ऊपर साइड में। इस सेंटर से इसको भी यहाँ हम सेंटर निकाल लेंगे फोल्ड करते हुए। और ये जो हमने 26 इंच की बेल्ट तैयार की थी इसको यहाँ पर लगा देंगे। इस सेंटर पर ये पाइपिंग हमारी आनी चाहिए। ये तो हमने इतनी तैयारी कर ली। अब इसके बाद हम लाइनिंग लेंगे और जिप लेंगे। एक लाइनिंग पर सीधी जिप रखेंगे, इसके ऊपर दूसरी जिप भी रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर एक लाइनिंग और रखेंगे, और इन चारों को हम एक साथ जोड़ देंगे। ये 14 इंच का एरिया है, 14 इंच की जिप है, 14 इंच का लाइनिंग का पीस है। चारों को एक साथ सावधानी के साथ जोड़ देंगे। अब ये बीच में हमारा इधर पार्टीशन आ गया। अब इसको यहाँ पर अलग अलग करते हुए, इसको दबाते हुए यहाँ पर एक मशीन चला देंगे एकदम सेंटर में जहाँ पर मशीन चली है। अब इसके बाद ये जो हमारी जिप का एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, यहाँ पर हम लाइनिंग लगाएंगे। इसको यहाँ इसके साथ जोड़ देंगे सीधा रखते हुए। और दूसरी जिप में दूसरा सिरा, दूसरी लाइनिंग जोड़ देंगे।
अब ये हमारे पास, ये देखिए यहाँ से सेपरेट है, एक जिप में हमारे ये पॉकेट आएगी, एक जिप में ये पॉकेट आएगी। अब इसमें हम रनर डाल देंगे, रनर ऑप्शनल है, यहाँ पर एक डालें दो डालें, ये हमारे दोनों रनर पड़ गए। और अब एक जिप के साथ ये देखिए एक जिप आई है, इसके साथ एक लाइनिंग ये है, एक लाइनिंग ये है, इन दोनों को अब हम यहाँ पर जोड़ देंगे। पहले बॉटम जोड़ देंगे इसका, और इसका साइड भी जोड़ देंगे। और ये जो दूसरी पॉकेट है हमारे पास, ये वाली एक तो हमने कंप्लीट कर दी, ये दूसरी जिप आ रही है, इसके साथ जो ये पॉकेट है इसका बॉटम नहीं सिलेंगे, इसका दोनों साइड सिल देंगे। इसको तैयार करने के बाद अब ये दोनों पीस हम लेंगे, इसको तीन साइड से जोड़ देंगे। ये हैंडल हमारे ऊपर है, इसको हम तीन साइड से जोड़ देंगे। और ये जो बॉटम का हिस्सा है, यहाँ पर हम 1.5 इंच जो सिलाई की है वहाँ से 1.5 इंच इधर और इधर एक स्क्वायर बनाएंगे इस तरह से। ये हमने स्क्वायर बना लिया, इधर भी बनाएंगे दूसरे साइड में। ये स्क्वायर बनाने के बाद ये कॉर्नर पकड़ेंगे, ये कॉर्नर पकड़ेंगे और इसको इस तरह से फ्लैट रखते हुए, अब ये हमारे पास लाइन आ गई है, इसको इस तरह से मिलाते हुए ये सिलाई और ये सिलाई मिलनी चाहिए, और यहाँ पर मशीन चला देंगे। इसको कट कर देंगे और अब इसको हम सीधा करके पहले चेक करेंगे। और एक जिप को खोलेंगे जिसमें का बॉटम खुला हुआ है, उसके अंदर ये पूरा बैग हम डाल देंगे। हैंडल को अपनी जगह पर रखते हुए इस खुले वाले हिस्से में इसको डाल देंगे, और जो बैग की सिलाई है और इसकी सिलाई है मिलाते हुए इसको अब हम चारों तरफ से सिल देंगे। और अब इसको हम बाहर निकालेंगे, दूसरी पॉकेट खोलेंगे, यहाँ से ये लाइनिंग अंदर से अलग कर देंगे। उसको हमने अंदर कर दी, ये हमारी सिंगल बाहर आ गई। अब इसको हम यहाँ नीचे से पैक कर देंगे। को पैक करने के बाद इसको भी हम अंदर कर देंगे, दोनों लाइनिंग को अच्छे से फैला देंगे। और इस तरह से ये हमारा थ्री पॉकेट का बैग कंप्लीट हो गया। ये बॉक्स पॉकेट मैंने आपको पहले सिखाई थी, और ये टू पॉकेट हमने अभी आपके सामने लगा दी, वन पॉकेट और ये टू पॉकेट। तो इस तरह से ये नीट एंड क्लीन और काफ़ी स्पेस वाला बैग हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।